छठ मैया को तो हम लोग बहुत मानते हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण है, लोक पर्व है, आस्था का पर्व है, हमारे फैमिली से रिलेटेड होता है, हर व्यक्ति से रिलेटेड होता है। फिर भी ट्रेन में भीड़ होते हुए भी लोग कैसे भी करके आ ही जाते हैं। छठ की छठा तो ऐसी है बिहार में कि आपको यहाँ पे भीड़ देख के पता चल जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। लोक आस्था का महापर्व कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और मैं हूँ आज पटना जंक्शन पे, जहाँ पे देश की राजधानी दिल्ली से लोग यहाँ आ रहे हैं छठ मनाने के लिए। तो आइए जानते हैं उन्हीं लोगों से कि उनके अंदर कितनी आस्था है और वो छठ पर्व को कितना महत्व देते हैं। जो लोग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता तय करके आ रहे हैं, आइए जानते हैं उन लोगों से कि इस पर्व का महत्व क्या है। दिल्ली से आप आए हो 1000 किलोमीटर का रास्ता तय करके बिहार सिर्फ छठ मनाने के लिए, तो छठ का कितना महत्व है आपके लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोक पर्व है, ये आस्था का पर्व है। और जगह लोग डूबते हुए सूरज को नमन करते हैं, हमारे बिहार के लोग डूबते और उगते उगते हुए सूरज को नमन करते हैं, हमारे यहाँ के लोग उगते और डूबते हुए दोनों को नमन करते हैं। ये तो हमारी संस्कार का प्रतीक है छठ पूजा। दो दिन पहले दिवाली थी, दिवाली में नहीं लेकिन छठ में आना जरूरी क्यों था? घर पे कौन कर रहा है छठ? मम्मी कर रही है इस बार से। उनको हर साल चाहिए होती है, मतलब जब जी जी हाँ। आपका क्या कहना है इस पे? मतलब जो लोक आस्था का पर्व छठ है, ये कितना महत्व रखता है किसी भी इंसान के लाइफ में और आपकी लाइफ में? मेरे भी लाइफ में और पूरे हमारे जो भी बिहारवासी है, खासकर भारत में जितने भी बिहारवासी, इनके लिए ये सबसे बड़ा महापर्व होता है। तो हम लोग के लिए ये पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये हमारे फैमिली से रिलेटेड होता है, हर व्यक्ति से रिलेटेड होता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। ये सारे सगे संबंधियों को मिलाने का, समाज से जुड़ने का, गांव परिवार काफ़ी जितने भी दूर से जो अलग अलग रहते हैं उन सबको एक साथ ये जोड़ता है। इसलिए ये आस्था के प्रतीक के साथ साथ सारे संबंधियों को इकट्ठा करता है, जो देश विदेश से लोग आते हैं उन सबसे मिलना जुलना, एक समाज में एक अलग संदेश देता है ये छठ महापर्व। आप इतनी दूर दिल्ली से आप आए हो, छठ पूजा का कितना महत्व है आपके लिए? छठ पूजा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जी। कौन करता है आपके यहाँ छठ? यहाँ पे मेरा मायके है, भाई करता है। नहीं नहीं, मेरी मम्मा करती है यहाँ पे छठ, मैं भी करती हूँ। आप भी छठ करते हो? जी। आप जब छठ करते हो तो आपको पता होगा कि छठ पूजा में जितना जो निर्जला व्रत होता है और जो पानी में इतने देर सुबह खड़ा होना पड़ता है, तो वो कितना कठिन है, उसके बाद भी इतनी श्रद्धा है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलना चाहूँ, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये तो विश्वास है, एक ईश्वर है, उसके प्रति आस्था है बस। छठ के बारे में पता है कुछ? हाँ। पटना क्यों आए हो? पटना आए हो? क्यों आए हो? तो आया था। बहुत आस्था है, फिर भी ट्रेन में भीड़ होते हुए भी लोग कैसे भी करके आ ही जाते हैं, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ। हर साल आपका आना होता है दिल्ली से? लगभग, जब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो मैं आती ही हूँ। छठ आपके घर में कौन करता है? मेरे घर में मायके में होता है, ससुराल में तो अभी नहीं हो रहा है छठ। मायके आप जाती हैं हर साल छठ में? हाँ, दो साल से जा रही हूँ शादी के बाद। दिल्ली से आप आए हो यहाँ पे छठ मनाने के लिए, तो छठ की छठा कितनी है पूरे बिहार में? मतलब छठ की छठा तो ऐसी है बिहार में कि आपको यहाँ की भीड़ देख के पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ कि जब हम स्टेशन आए दिल्ली पे, जितनी भीड़ थी, इतनी लाइन थी, यहाँ आने के लिए सिर्फ पर्व के लिए ही भीड़ थी, और उससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या महत्व है हमारे लिए पर्व का। और छठ के लिए स्पेशली हम आए हैं, दिल्ली में थे दिवाली पे, लेकिन छठ में हमें यहाँ आना पड़ा। हर साल आते हो? हर साल आते हैं और बिना ब्रेक के आते हैं। यहाँ पे छठ कौन करता है आपके घर में? हमारे यहाँ मेरी मम्मी खुद करती है, मेरी सासू माँ भी करती है। तो वो हर साल चाहते हैं उनके बच्चे उनके पास आए? बिल्कुल, और उनके बच्चे आते भी हैं और बहुत अच्छे से धूमधाम से हम मनाते हैं। ऑब्वियसली बात है, बिहार के लिए जो सबसे बड़ी फेस्टिवल है, हम सब जानते हैं, वर्ल्ड वाइड ये फेमस है छठ पूजा। तो ये एक प्यार है, एक लव है, एक अटैचमेंट है जो हमें खींच के बिहार लाता है। छठ में हम कहीं भी रहे, छठ में हमारा बिहार आना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है इन एनी कंडीशन, चाहे वो कैसे भी पहुंचे। क्योंकि कोई भी त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, माँ फिर भी माँ का दिल मान जाता है, छठ नहीं मानता माँ का। बिल्कुल नहीं, वो हमारा एक अटैचमेंट है बचपन से, जब भी हमने बर्थ लिया है देखते आ रहे बचपन से, अब हमारे बच्चे भी है तो वो भी देखेंगे, सीखेंगे सारी चीज़ें, ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, कल्चर है, फेस्टिवल है। तो ये बिहार में तो छठ का बहुत महत्व है और ये आस्था का पर्व है, हम लोग अच्छे से मनाते हैं इसको।
इसलिए हम लोग। आपके घर में छठ कौन करता है? माँ करती है। माँ करती है तो माँ हर साल चाहती होंगी आप उनके पास छठ टाइम? हर साल ही आते हैं, हर साल आते हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व है और उसी के लिए आए हैं, और अभी इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे हमारे पास। मैं यहाँ छठ पूजा के लिए आई। छठ पूजा के लिए आई। छठ पूजा कितना महत्व है कि आपको दिल्ली से यहाँ खींच लिया? हाँ, हमारे लिए तो बहुत महत्व है क्योंकि हम बिहारी है और मेरी माँ करती है। तो माँ हर साल चाहती हूँ? हर साल मैं आती हूँ। पिछले हम 4 साल मेरी शादी को हो चुके, मैं हर साल आती हूँ यहाँ। हाँ, हर साल आती हूँ। छठ पर्व का कितना महत्व है? हम लोग के लिए तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। आप खुद छठ करती हैं? हाँ, करते हैं। तो दिल्ली से हर साल यहाँ आती हैं छठ खुद करने के लिए, खुद मनाने के लिए बच्चों के साथ? छठ, आप मतलब छठी मैया के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मतलब छठ जो छठ व्रती हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? छठ मैया को तो हम लोग बहुत मानते हैं, हम लोग का बहुत माननीय पर्व है। 1000 किलोमीटर का रास्ता तय करके पटना आई है किस लिए? छठ पर्व के लिए, क्योंकि हमारे बिहार में छठ पर्व का बहुत सारा महत्व है। बहुत महत्व, बहुत। यहाँ पे आपके माँ बाप रहते हैं, आप तो क्या वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बच्चे आएंगे घर पे उसके बाद छठ मनाया जाएगा? क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार हम लोग के बिहार में होता है तो सब चाहते हैं जो बच्चे आए छठ में और हम सब मिल के छठ मनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। छठ पर्व का कितना महत्व है? बहुत महत्व है मेरे लिए। मैं खुद करता हूँ, अर्घ देता हूँ, मैं खुद अर्घ देता हूँ छठ पर्व में। तो इस घर मतलब यहाँ पे आपकी जो भी रिश्तेदार होंगे, घर होगा, घर परिवार वाले पूरे साल वेट करते हैं कि बेटा आएगा छठ करेगा उसके? बिल्कुल वेट करते हैं और छठ में आते ही आते हैं, ये तो आना ही है। हालांकि ट्रेन तो निकल चुकी है, बट ट्रेन ने लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया है। देश भर से जितने भी बिहारी हैं वो बिहार ज़रूर आते हैं छठ पर्व मनाने के लिए। तो छठ पर्व में कितनी श्रद्धा है वो आपने देखा, लोगों से जाना। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइव सिटीज़ के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।